पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बीच भी, में कोई दो से तीन पिछले दो वीक्स में जो है ना सक्सेस स्टोरीज आई हैं इन रिगार्ड्स तो, uh, से एक एक दानियाल थे थे कोई और एक दो और दो एंड मैं बस आप ये तो बताना चाहता हूँ कि तो लोग ये सोच के नहीं कर रहे अमेजोन एसोसिएट्स में नहीं आ रहे कि नॉट तो मेरे ख्याल से ये सोच बेहतर है कि बंदा इस तरह ना सोचे इसका रीजन ये कि अनसर्टिनिटीज और रिस्क हर तरह के बिजनेस में होते हैं सबसे अच्छी बात ये लगती है इस बिजनेस मॉडल कीिसर्च एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है अमेजो एसोसिएट्स में वो वेबसाइट बनाना या बैकलिंक्स प्रोड्यूस करना नहीं है या ए करना नहीं है इनफैक्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जिसकी बेस पे आप चीजें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो है आपकी आर एंड डी वेरी बेस के आप किस चीज के ऊपर अपनी वेबसाइट खोल रहे होगे कीवर्ड रिसर्च आप पहले से कर चुके हो कंटेंट कैलेंडर आप बना चुके हो एवरी गेटिंग थिंग्स डन तो इमेजिन टू टू मैंने आपको वैसे तो जो टारगेट दिया था वो फाइव टू सेवन हंड्रेड डॉलर का था द टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन हैज़ हार्डली वर्कड फॉर लाइक थ्री टू फोर मे बी फाइव मंथस मैक्स एंड ही इज ऑलरेडी जनरेटिंग अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड टू एटीन हंड्रेड डॉलर मंथली राइट एंड मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग चल सकते हो अगर आप लोग रहे हो साइल अथॉरिटी है तो आप एक ही साइट खोल लो उसने खोली है, और उसने दो खोली एंड फ्रॉम साइट अर्निंग कि वो वहां से और स्केल करके ऊपर लेके जा सकता है एंड दैट आल्सो मींस के इफ ही ओपन टू साइट्स विच आर स्कोरिंग अराउंड 1500 हंड्रेड डॉलर मंथली ही कैन फ्लिप इट ओवर और एक साइट की मैं बात कर रहा हूँ इजिली वो एक साइट को इधर आठ से नौ हजार डॉलर का फ्लिप कर सकता है सात हजार डॉलर से लेके दस डॉलर के बीच में वो फ्लिप कर सकता है तो कंसिडरिंग के तीन महीने की चार से पांच महीने की मैक्सिमम मेहनत के बाद आप एक साइट को सात आठ हजार डॉलर दस हजार डॉलर का फ्लिप कर सकते हो तो इज नॉट बैड बिजनेस मॉडल टू वर्क ऑन तो, तो खैर अभी आप लोग एक काम ये प्लीज कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप लोग के जो भी जो भी अगर आप लोग दिमाग में क्वेश्चंस ऐसे हैं अनसर्टेनिटीज हैं कि भाई यार मुझे मैं इसमें इसलिए नहीं आना चाहता या या so so yeah, और मैं ये चाहूंगा मैं ये कि उन चीजों को solve कर दूं आप के। या आप के अगर लोग किसी खास एरिया में फंसे हुए हो या कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया के आप लोग चाहते हो कि इसमें और ज्यादा मैं ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ जस्ट नॉट टू श्योर अबाउट दिस आई एम इन द राइट डायरेक्शन तो आप लोग जो है ना मुझे उस एरिया के बारे में भी बता दो ताकि मैं उस सेक्शन के ऊपर और ज्यादा आप लोग को एजुकेट कर पाऊं और ज्यादा कंटेंट ला पाऊं so, ठीक है सो रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च इसके ऊपर बात करते हैं, मैंने आप लोग से साइलो अथॉरिटी साइट के बारे में तो बात कर ली थी आप लोग से ठीक है कि वैसे हम लोग जब निशेज um, सेलेक्ट कर रहे होते हो तो वी हैव बाइफिकेटेड इन डिफरेंट एरियाज विच इज जनरल टॉपिक जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट इज सो जनरल के वो हर चीज के बारे में बात कर हेल्थ तो में कितनी सारी डिफरेंट ने आ जाती हैं ब्रॉड ब्रॉड इज निश निश जनरल टॉपिक को अगर हम की तरफ जाएं तो वी हैव वेट लॉस एंड देन वी नो दिस फॉर अ फैक्ट के हेल्थ के अंदर ही देखिए हेल्थ के अंदर ही आप देख लें कि एक तरह से इफ यू टेक दिस एज द फर्स्ट ब्रांच इसके अंदर मजीद हरारकी जो आती है नीचे की तरफ दिस इज द पेरेंट ऑब्वियसली ब्रांच पेरेंट so so we इसका जो मजीद आप ड्रिल डाउन करोगे वो आएगा गेट रिड ऑफ लव हैंडल्स एक्सरसाइज में आ जाएगा गेट सिक्स पैक एब्स और ज्यादा एंड देन माइक्रोनिश इज समिंग जो आप बहुत स्पेसिफिक होके okay, बात कर रहे हो तो दिस इज स्पेसिफिक नेश मतलब स्पेसिफिक में भी और ज्यादा स्पेसिफिक होकर आप बात कर रहे हो तो दैट कॉल्ड माइक्रो निश, ठीक है सो इट सो वी यू हैव टू स्ट्रैटीज टू वर्क ऑन आइदर यू क्रिएट टू टू थ्री निश वेबसाइट एंड यू एम के हर निश वेबसाइट से मैं चाहूंगा मैं हर निश वेबसाइट से चाहूंगा कि मैं um, तकरीबन 300 डॉलर या डेढ़ सौ डॉलर से स्टार्ट करूँ एंड आई स्केल बी दैट इज पॉसिबल इन अराउंड थ्री टू सिक्स अपना एक एम रखो कि थ्री टू सिक्स नॉट रैंक यूर सेल्फ इन थ्री टू सिक्स टाइम देन दिस समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग और दिस समथिंग रॉन्ग विद यर स्ट्रैटेजी समथिंग विद यर प्लान you have to get back to me and tell me ke sir it has already been 3 months and 3 months mein थर्ड पेज अच्छा सर होता क्या मैं आप लोग को बताता हूं थ्री मंथस <coughs> हो गए आप लोग को साइट बनाए हुए और थ्री मंथ से मतलब ये नहीं है आई मीन द पार्ट जिस दिन आपकी वेबसाइट लाइव जाती है उस दिन से लेके थ्री मंथस आप लोग को हो जाते हैं ठीक है और आपकी साइट जो है वो रैंक्ड इज नो वे क्लोज टू थर्ड पेज और आपके मैं मेन की वर्ड्स परचेज की वर्ड्स की बात कर रहा हूँ सारे परचेज की की बात नहीं करा लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है टॉप टेन कौन से के, सर, हम मेरे अभी तक कुछ ही, दो तीन आए हैं पांच आए हैं तो चलो ठीक है right. थोड़ा सा बेहतर करना ऑप्टिमाइजेशन करनी है मे बी ऑन द एस ऑन पेज एस ऑफ पेज एस सी ओ साइड और फिर वहां से हम लोग मजीद आप देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है और कौन से एरियाज है जहां पे आप लैक कर रहे हो? ये बात याद रखिएगा वॉज अ स्टूडेंट ईसी में ही जिसने मुझे पास आया था उसने बोला था सर मैं थर्ड पेज पे आ चुका हूँ किसी तरह भी सेकेंड और फर्स्ट पेज पे नहीं आ पा रहा हूं मैं अटक गया हूं यहाँ पे सो so, मैंने उसको बोला था कि अपनी तुम क्रिएट कर रहे हो एंड ही टोल्ड मी कि वो कितने नंबर ऑफ पर मंथ क्रिएट कर रहा है विच वाज ओके आई से कि बहुत अच्छे थे प्रॉमिसिंग थे बैकलिंग जनरेट करने की कोई रूल ऑफ थम नहीं है कि मुझे हर महीने सौ बैकलिंक्स जनरेट करने लेकिन आप लोग को खुद अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि भाई इतने नंबर ऑफ मैं जनरेट करना चाहता हूं पर डे एंड यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली लेट्स सपोज पांच आप ये बोलो पांच बैकलिंक्स जनरेट करने में आपको दस पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं लग सकते ठीक है बैकलिंक्स कहां जनरेट करते हैं इसके लिए आप लोग टूल यूज करें एच एफ सो दैट यू नो कि आपका कॉम्पेटेटर कौन से

टाइनी पीएनजी, उसकी जो थी ना वेबसाइट वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं थी इन देंस ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन नहीं थी उसकी उसकी इमेजेस जो थी वो बहुत भारी थी विच रिजल्टेड इन हाई लोड टाइम ऑफ द वेबसाइट ऑफ इच पर्टिकुलर पेज जहां जहां उसने जो ना इमेज डाल ली हुई थी तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो दिस इज वॉट यू डूइंग रॉन्ग यू पिकिंग अप इमेजेस विच इज नॉट रॉन्ग यू कैन पिक इमेजेस फ्रॉम एमेजॉन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट यू हैव टू ऑप्टीमाइज ईस्ट ऑफ दट प्रोडक्ट ताकि आपकी जो हर पिक्चर की जो वो है साइज um, है वो इतना भारी ना हो कि आपकी जो पेज लोड टाइम है उसको अफेक्ट कर रहा हो बोलते ये हैं एंड um, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक्चुअली एक्चुअली मुझे पता नहीं मैंने इसी की बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है अपने कोर्स में तो I don't know, इसका क्या होगा लेकिन क्योंकि ये एक अच्छी साइट रही है और अभी भी है टाइम जब एमेजोन uh, ने जो है इसको अपने uh, कुछ अर्से के लिए पीनालाइज भी कर दिया था एक मिनट रुकिएगा तो दिस इज़ वेयर यू चेक के आपकी वेबसाइट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन और कितना अभी एरिया और ऐसा है जो आपको एक्सप्लोर करना है ताकि आपको ये फील हो कि नहीं मेरी साइट जो है वो बिल्कुल फुली ऑप्टेमाइज है और इसमें कोई ऐसे एरियाज नहीं है ब्रोकन लिंक्स बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं ब्रोकन लिंक्स नहीं है यू यूर मेकिंग श्योर कि आपने ब्रोकन लिंक्स साइट से हटा दिए हैं साइट ऑप्टमाइज स्पीड के सेंस पे पूरी ऑप्टिमाइज्ड है आपके जो भी टैग्स होते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं दर एंड प्लेस ये सारी साइट ऑप्टिमाइजेशंस होती है ऑन साइट हैं तो अगर आपके पास इमेजेस ऐसी हैं तो मेक श्योर यू पुट देन यू कंप्रेस देम ठीक है टू द एक्सटेंट जहां पे आपकी साइट जो स्पीड है वो बिल्कुल सही ऑप्टिमाइज हो जाए तो दैट हेल्प

who who are who have just visited your site, would not, would probably close your site site would would not probably close there and then second आपकी वेबसाइट को लगे load होने में सही है अगर पांच सात second लग रहे हैं आपकी वेबसाइट को load होने में वो आपकी साइट load होने से पहले ही बंद करके चले जाएंगे तो इससे आपका analytics जो होती है Google analytics इस पर आपके बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मैं आपको एक example दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस रेट लोड टाइम जब आपका बुरा होता है या आपका कंटेंट बुरा होता है याद रखिएगा मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं लोड टाइम नंबर वन या आपका कंटेंट नंबर टू जब ये दो दो चीजें आपकी अच्छी नहीं होती जब ये दो चीजें आपकी अच्छी नहीं होती तो आपका बाउंस रेट जो होता है वो बढ़ जाता है बोलना ये जाता है कि कोई भी बाउंस रेट विच इज क्लोज टू फिफ्टी परसेंट इज कंसिडर्ड गुड एंड एनी बाउंस रेट विच इज क्लोज टू थर्टी परसेंट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड तो आप ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट ट्रैफिक है और डायरेक्ट ट्रैफिक में होम पेज का जो बाउंस रेट है खैर होम पेज को तो छोड़ दें दिस इज अगेन होम पेज ठीक है

और आप ये बोलते हो कि आपकी साइट ऑप्टिमाइज नहीं हो रही रैंक नहीं हो रही है वो तो मैं आप लोग से ये सारे रिजल्ट मांगूंगा मैं बोलूंगा कि कितने परचेज की वर्ड्स कितने इंटेंट के ऊपर तुम ने मतलब लिख लिया है कितने बैकलिंक्स बना रहे हो कितनी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन कर दी है ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं आप लोग से ये बोलूंगा कि जरा मुझे रिजल्ट दिखाओ मुझे भेजो तुम्हारे साइट का ओवरऑल बाउंस रेट क्या है गूगल गूगलटिक्स पे एंड इफ यू टेलमी सेवेंटी परसेंट है तो आई वुड टेल यू यार गो बैक एंड ऑप्टिमाइज करो अपनी पूरी साइट को ठीक है सो दैट नो क्वेश्चन्स आर यू श्योर आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं है मैंने आप लोग को ये लिंक भेजा है कि मैं फिर से भेजू लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट द लिंक ओके

एस सी ओ इज द वेरी हार्ट ऑफ एमेजॉन एसोसिएट्स बिकॉज इफ यू आर गेटिंग रैंक ऑन योर की वर्ड्स एंड आई एम नॉट टेलिंग यू के मैं दूसरी ट्रैफिक सोर्सेस काम नहीं करती आई बिल्कुल काम करती पुष्ट नोटिफिकेशन तक काम करती है लेकिन एमेजोन एसोसिएट्स की तरफ अगर आप जा रहे हो तो यू हैव टू हैव टू हैव टू फोकस मोर टू वर्ड एस सी ओ पार्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल

अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं कि किस चीज की सबसे ज्यादा किस चीज की क्या प्रायोरिटी है एंड वी गो अलोंग थिंग्स अकॉर्डिंगली तो आई वुड से सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कीवर्ड रिसर्च एंड देन यू कैन प्रायोरिटाइज एवरीथिंग एल्स आफ्टर दैट ठीक है कीवर्ड रिसर्च शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के यू हैव डन ऑल योर होमवर्क इन दिस रिगार्ड्स इफ योर कीवर्ड रिसर्च इज रॉन्ग आर्टिकल्स मे नॉट इवन गेट इन द फर्स्ट प्लेस ठीक है एंड एवरेज वेबसाइट लुक अब इसकी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ पहले की वर्ड रिसर्च रॉन्ग क्या हो सकती है मैंने आप लोग को एक बताया कि भाई कोशिश करो कि तुम तब की वर्ड रिसर्च कर रहे हो एट मैक्स मैं बोलता हूं कि कोशिश करो मेजोरिटी ऑफ योर कीज अ की डिफिकल्टी ऑफ थर्टी वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट ऑल दस कि आप बोलते हो सर मुझे एक मिला है थर्टी फाइव फोर्टी वाला तो मैं आपको बोलूंगा चलो ठीक है डाल दो फोर्टी और थर्टी फाइव वाले भी अपने कॉन्टेंट कैलेंडर और कीवर्ड प्लान में डाल दो इशू नहीं है कोई लेकिन स्ट्रिक्ट एक हार्ड कोर पॉलिसी रख लें कि मैं फोर्टी प्लस तो कभी मर के भी नहीं जाऊंगा बिकॉज सिर्फ पांच कीवर्ड डिफिकल्टी भी आप ऊपर जाते हो ना यू जंप फ्रॉम फोर्टी टू फोर्टी चलो सर ने बोल दिया फोर्टी तक आप डाल दो चलो फोर्टी फाइव भी डाल देता हूं

कीवर्ड डिफिकल्टी मेरी 40 है 45 है 50 है 60 है 60 वाले पे मैं कब रैंक हूँ क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है मुझे अब बहुत जबरदस्त परचेस इंटेंट एंड कीवर्ड है इसका कोई रूल ऑफ थम नहीं है इसका कोई ये नहीं है कि आपने इतने आर्टिकल्स लिख दिए इतने बैकलिंग्स क्रिएट कर दिए इतने सही है हम ये बात जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं वो हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन वी होप आर बेस्ट के ये बेस्ट प्रैक्टिस मैंने कर दी हैं इतने के बाद तो उसके लिहाज से एक अगर सिल्वर डाइनिंग खींची जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि 35 तक तक या 30 तक आप 3 to 6 months के अंदर हो हो जाने चाहिए टॉकिंग अबाउट नंबर हो पे, लेकिन के करीब, first, second, के करीब आप तो हा यूर यू से वही सारी बेस्ट प्रेस मैं 60 वाले के साथ भी एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं छह महीने के अंदर रैंक करना चाह रहा हूं तो No बहुत सारी दूसरी चीजें भी इन कंसिडरेशन ली जाती है इफ यू वॉन्टी की जाइए आप फ्लिपा पे और फ्लिपा पे आप दस हजार बारह हजार बीस हजार डॉलर वाली साइट खरीद लीजिए इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट जस्ट गो एंड बाई दो बट बिफोर यू बाय दोन ऑन ए एच रेस एन सी

कि 12 से पंद्रह हजार डॉलर की साइट है आप बोलते नहीं यार ये तो मेरा बजट नहीं है तीन चार हजार डॉलर पांच हजार डॉलर का बजट है आपका आप जाए फ्लिपार्ट पे आप सर्च करें करेंट्स सर, की साइट और आ, आ, यू कम बैक टू मी आप मुझे फिर दिखाओ कि सर मैंने इसके ऊपर की रिसर्च करी है ये पूरा डाटा आप जरा एक नजर देख लेंगे ठीक है फिर मैं देख लूंगा फिर मैं अपने एक दो दोस्तों को दिखा दूंगा बोलूंगा जरा यार एक काम करो इसको देख लो देर एस अलहमदो सिंस लास्ट सेवन टू एट टेन ईयर इन दिस ने

हाँ सही है वो एक्सपेंसिव है लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं उससे लिखवाऊंगा वो आपसे ज्यादा अच्छी आइडिया जनरेशन कर सकता है वो आपसे ज्यादा बेहतर लिख सकता है और नाउ अ नॉन नेटिव स्पीकर बट कॉपी राइटर ऑन इनकी हैंड्स ऑन नॉलेज है और हैंड्स ऑन है वो विद हिज इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स उसकी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज उसकी कोई और है उर्दू कोई भी हो सही है एंड वो कॉन्टेंट राइटर है कॉपी राइटर है उसका कंटेंट जो होगा ना वो एवरेज कंटेंट में आने के चांसेस काफी हैं। बट इसमें कोई इशू नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोस्ट ऑफ़ राइटर्स जैसे इवन मैं आपको बताऊं टेन बीस पे भी जो आर्टिकल सारे आए हुए या बड़ी साइट्स पे जो आर्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो इस बिजनेस इस मॉडल में कूद रहे होते हैं, वो नेटिव राइटर्स को अपनी नेटिव

याद रखिएगा इस बात को एवरेज वेबसाइट लुक एंड आई कैन नॉट गो ऑन विद इट टेन बीस की जो साइट है वो एवरेज लुक्स के साथ है दे इज नथिंग टू रॉकेट साइंस अबाउट टेन बीस एक मिनट रुकिएगा सही है टेन बीस के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप ये बोलो कि यार मतलब आम, ये साइट का जो लुक है मतलब टू गुड है कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता इवन होम पेज पे जाके देख लो आप लोग ठीक है तो टेन बीस एवरेज कॉन्टेंट एवरेज वेबसाइट लॉक्स बट एवरेज कॉन्टेंट हमारे लिए वो जो एवरेज कॉन्टेंट मैं बोल रहा हूं ना वो एवरेज कंटेंट हमारे लिए एवरेज नहीं है वो बहुत अच्छा कंटेंट है लेकिन किसी गोरे या नेटिव स्पीकर के लिए वो प्रोबेबली एवरेज कंटेंट हो सकता है बट दे रिसर्च इज इन प्लेस एंड दे एस गोरिंग मनी बायर so, बायर वैसे नॉन ऊपर मैं बात कर चुका हूँ मनी uh, no याद रखिएगा बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच अब आप ये बोलते हो कि सर ट्रैफिक ही तो जनरेट करना है और आपने हमें ये बताया कि टू टू फाइव परसेंट कन्वर्जन होता है ट्रैफिक का योर वेबसाइट बींग ओकेश टू टू थ्री परसेंट विच मीन्स कन्वर्जन uh, की मैं वो बात नहीं कर रहा परचेज कन्वर्जन मैं बोल रहा हूँ जो बंदा आपकी साइट से कन्वर्ट होके एमेजॉन पे एक लिस्टिंग पे जाएगा सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग पे मैं सिर्फ उस कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ तो आप बोलते हो कि यार सिर्फ ट्रैफिक ही तो जनरेट करना है मैंने इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर देते हैं कोई मसला नहीं एंड आप ट्रैफिक जनरेट करना शुरू करते हो इस तरह की के कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच या बेस्ट क्रिकेट या बेस्ट फीफा मैच ऑफ ऑल टाइम ठीक है एंड वो ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं दिन का दस हजार एंड आई एम टेलिंग यू दिस फॉर अ फैक्ट कि हम इस तरह का ये काम भी कर चुके हैं बहुत बहुत साल पहले ठीक है जस्ट टू सी द इम्पैक्ट और इससे पहले आप ये गलती करो मैं अपनी गलती हम अपनी गलतियों का आपको वो बता रहे हैं पूरा रिजल्ट क्या रहा है हम लोग ने जो है परचेस इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर कर रहा था वो परचे उसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आ रहा था हमारे पास लेकिन फिर हमने बोला एक काम करते हैं हम परचेस इंटेंट की हट के भी लेकिन रिलेटेड टू आर हम लोग ट्रैफिक जनरेट करना शुरू करते हैं एसईओ बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिकली देखते उसका impact हैं उसका इंपैक्ट क्या होता है हमारा दिन का ट्रैफिक जो होता था ना ऑर्गेनिक वो दस हजार होता था दस से बारह हजार बट उसमें कन्वर्जन नहीं आती थी मतलब अच्छी नहीं आती थी इट यूज टू बी समीरोट तो ठीक है मतलब If you're, if you say, के सर लेकिन मेरे पास परचेस इन टेंट की तो बिल्कुल खत्म हो गए खत्म नहीं होते दिस टुल रूम बट अगर आप वाकई में खत्म हो गए हैं तो ठीक है आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन दिस और जीरो पॉइंट अपू फाइव परसेंट तक का आप इसमें इंपैक्ट ला सकते हो वो टेक्निक्स भी है वो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन आई वुडेंट आस्क यू टू एटलीस्ट जस्ट कीप वर्किंग ऑन बायरस इन टेंट की वर्ड ठीक है ये yes, सेशन एक रुकिएगा uh, ठीक है ना ऑनलाइन बाइक प्रोसेस होता क्या कैसे एग्जैक्टली exactly? क्या आप लोग प्लीज uh, पांच मिनट वेट कर सकते हैं मैं जरा पानी पी लू पांच मिनट की ब्रेक लग सकते हैं आप लोग इफ दैट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर ओके ओके आई एल बी राइट बैक जी सलाकुम जी तो कंटिन्यू uh, करते इसको एक्चुअली uh, मैंने अभी बोला था कि पांच मिनट की ब्रेक के लिए गया हूं मैं सो so, अब हमारे पास जो होते हैं ना डिजिटल इंडस्ट्री में हम जब चीज़ों को एसेस कर रहे होते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स जो ऑप्टेन ही अपना कैरियर करते हैं इसमें वो बोलते हैं कि यार हमें अपने कैरियर ही यही बनाना है मतलब आई एम नॉट अबाउट जम्पिंग ऑन टू बिजनेस मॉडल टॉकउटल मार्केटिंग को ऑप्टेंड करते हैं एज अ कैरियर पढ़ने के बाद और वो बोलते हैं हमें इसी फील्ड में रहना है तो हम लोग को जो पूरा ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस है और बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं वो हम लोग को इस तरह समझाई जाती है सो देर ऑब्वियसली थ्री स्टेजेस ऑफ अ कस्टमर

क्या क्या मुझे प्री रेकिट्स करने होंगे एक क्वालिटी यूट्यूब चैनल खोलने के लिए ठीक है एंड अभी मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे किस तरह यूट्यूब चैनल जो है उसमें क्या की यूज करने होंगे या मेरी निश क्या होगी मैं ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहा मैं ये बोल रहा हूं कि उस शख्स को अगर अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोलना है या उसको एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलना है तो उसको किस तरह के प्रोफेशनल गैजेट्स की जरूरत होगी ठीक है उसको किस तरह के प्रोडक्ट्स uh, खरीदने पड़ेंगे ताकि वो बहुत एक प्रोफेशनल लुक सा दे सके तो इसमें कपल ऑफ चीजें मैं अभी बता देता हूँ एंड आई एम श्योर कि शायद आप लोगों को भी पता होंगी um, सबसे पहले वो उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करेगा प्रोडक्ट्स टू बाय एज मीन और आई नो के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर यू सपोज टू हैव स फेज अवेयरनेस फेज अवेयरनेस ये आपका परचेज इनटेंट की होता है दीज आर नॉट परचेज इन की अवेयरनेस के टू बी अब प्रोफेशनल यूट्यूबर वॉच सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट यू सपोज टू बाय बिफोर हैंड राइट तो ये अवेयरनेस फेज है इसमें आपके कीवर्ड जो होंगे ना जो गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे वो इसी तरह के जाएंगे जहां पे आप अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेरीज डाल रहे होगे कि के और गैजेट्स टू हैव बिफोर अ यूट्यूबर फॉर एग्जांपल ठीक है दैट्स अवेयरनेस नाउ कीवर्ड्स इन इवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव आता है जब आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देन आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन ठीक है नाउ दैट आई नो के टू बिकम अ यूट्यूबर जरा से सुनिएगा टू बिकम अक्वायर रिंग लाइट और अट बेसिकली जो बेसिकली ब्राइटनेस और ये सारी चीजों का काम पूरा करे अ वेरी गुड कैमरा ठीक है एंड देन अगेन में एक जर्नल यूट्यूबर की बात नहीं कर इसके बगैर भी हो सकता है जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ठीक है एंड देन यू रिक्वायर अ बैकड्रॉप ठीक है एंड अ वेरी गुड माइक सही है सो वंस यू ऑल इवेल्युएटेड ऑप्शन सेटअप जो आपने सोचा कि ठीक है यार आई एल बाय बैकड्रॉप आई बाय अ रिंग लाइट आई एल बाय गुड माइक एंड अ वेरी गुड फोन फॉर एग्जांपल आईफोन 11 मैक्स या कोई भी एंड नाउ दैट यू मेड अ डिसीजन यू विल गो ऑन दरास एंड टाइप द रेलिवेंट की

वो ब्लू येटी के नाम से एक माइक uh, बनाते हैं विच इज नोन टू बी टॉप थ्री माइक्स इन द वर्ल्ड एंड आप बोलते बोलते हो कि uh, इसको कंडेंसर माइक्रोफोन हैं आपकी कीवर्ड कुछ ऐसे जाती है कि बेस्ट परचेस बेस्ट बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन टू बाय ऑनलाइन सही है ये आपकी है कंसिड्रेशन फेज सही है कि आपने अभी सिर्फ कंसिडरेशन फेज में हो आपने ऑल्टरनेटिव निकाल ली है कंडेंसर माइक्रोफोन्स के कंडेंसर माइक्रोफोन में बहुत तरह की कंपनी आ गई जिसमें से एक ब्लू आ गई अब आपने ब्लू यटी देख लिया मेड योर डिसीजन कि ठीक है मैंने जो है ब्लू यटी ही खरीदना है ठीक है तो आपका नेक्स्ट जो वो होगा की वर्ड वो कुछ इस तरह हो सकता है जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ पेनासोनिक एलईडी टीवी फिफ्टी इंच ठीक है तो अगर ब्लू यटी है यू विल बाय यू विल से समथिंग लाइक बाय सही है ब्लू यटी ऑनलाइन बाय ब्लू यटी ऑनलाइन ठीक है तो दिस फॉल्स इन द अवेयरनेस फेज टीवी फ्लैट स्क्रीन टीवी प्लाज्मा टीवी क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि टीवी मैंने लेना है लेकिन सबसे अच्छे प्लाज्मा टीवी या फ्लैट स्क्रीन टीवी या एलईडी टीवी कौन से चल रहे हैं सही है देन वंस यू मेड ए डिसीजन कि सही है सोनी ब्राविया का जो है सबसे बेस्ट एलईडी टीवी चल रहा है या कर्व टीवी चल रहा है देन यू टाइप योर की वर्ड अकॉर्डिंगली थर्टी टू फ्लैट स्क्रीन टीवी यान ऑफ ऑल्टर टीवी रिव्यूज बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी ब्रांड्स एंड दिस इज वेयर योर परचेज इन टेंट की वर्ड्स कम इन टू प्ले इन की भी कीवर्ड्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी या फ्लैट स्क्रीन टीवी रिव्यूज इनके अराउंड आपने जो है ना आर्टिकल्स लिखना शुरू करें नहीं जैन हम लोग किंडल के बारे में बात नहीं कर रहे ये amazon एसोसिएट्स का वो है सेशन इनके अराउंड आपने जो है ना अपने अह आपने कीवर्ड्स लिखे ठीक है एंड आपने इनके अराउंड जो है आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड ठीक है और इन पर्टिकुलर की वर्ड्स के अराउंड जब आपने लिखना शुरू करा आपने जो है ना इनके बैकलेंस बनाना शुरू करे ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करा आपके एक बार जो है ना फर्स्ट पेज पे आ गए नाउ यू विल स्टार्ट सींग रिजल्ट दिस इज द पार्ट जहां पे आप उनको डायरेक्ट डायरेक्ट कॉल टू एक्शन दोगे ऑफ बाय ऑन एमेजोन और वहां से वो आपका जो है ना बेसिकली um, uh, आपका जो वो प्रोडक्ट है वो जाके खरीदते हैं तो यू विल स्टार्ट गेटिंग कमीशन फॉर इट सो ऑनलाइन बर्ंग प्रोसेस की वर्स यू डायरेक्टली टारगेट विल डायरेक्टलीट फ्रॉम एमेजोट वेबसाइट वॉन्ट टू बी मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड यू डोंमेशन प्रोवाइड कर रहा हो कि ये बेस्ट ईवी ये बेस्ट ईवीआ यू हैव टू प्रोवाइड कॉल टू एक्शन एज वेल टारगेट सर्चेज हुई स्टेज थ्री एंड फोर नॉट दिन स्टेज वन एंड टू तो स्टेज वन एंड टू क्या है

ठीक है तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ठीक है तो अब आप लोग जो है इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो जब कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हो तो यू शुड नो कि आपके कीवर्ड जो है उनकी टर्म्स कुछ ऐसी होनी चाहिए અને દેખે મેને યહા પે કીવર્ડ કે અંદર જો મેને ટર્મ્સ જો ડાલી નહી હે અગર આપ લોગ गौर કરો તો મેને યહા પે બ્રાન્ડ સે રિલેટેડ ભી કીવર્ડ્સ ડાલે મે બીકોઝ લોક એક સ્પેસિફિક અ એક લોગ જબ સર્ચ કર રહે હોતે ના જૈસે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મે અભી આપ લોગો કો એક સર્ચ કરકે દિખા રહા હું મુજે બ્લુ યટી માઇક ખરીદના હે તો મેને સર્ચ કરા અ બ્લુ યટી માઇક પાકિસ્તાન يا કરાચી ફોર એક્ઝામ્પલ ક્યું સર્ચ કરા મેને કરાચી બીકોઝ આઇ વોન્ટ Google ટુ સજેસ્ટ મી

सो बेस्ट कीवर्ड फॉर एमेजॉन एफिलियेट आर बेस्ट आपने टर्म लिखा मेन कीवर्ड बेस्ट मेन कीवर्ड अंडर हंड्रेडर बेस्ट मेन कीवर्ड इन ट्वेंटी चीप मेन कीवर्ड अफोर्डेबल मेन कीवर्ड प्रोडक्ट नेम विद मॉडल नंबर रिव्यू ठीक है गाइड फॉर प्रोडक्ट नेम विद मॉडल नंबर सो आई गिवन यू सम्पल्स के किस तरह पॉवर ऑफ फॉर द बेस्ट बेस्ट लॉर्न मोवर फॉर ठीक है बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स फॉर बेस्ट ब्लेंडर फॉर ये भी बहुत पावरफुल की वर्ड हैं एंड दीज आर एक्सट्रीमली फॉर पावरफुल ऑल्सो इन द सेंस के ये दीज विल एक्चुअली ब्रिंग यू अर लॉट ऑफ कन्वर्जन ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल माइक फॉर अब जो मैं माइक की बात कर रहा था बेस्ट माइक फॉर स्ट्रीमिंग बेस्ट माइक फॉर ब्रॉडकास्टिंग बेस्ट माइक फॉर गेमिंग बेस्ट माइक फॉर वोकल्स बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब अब जैसे मैंने आपको बताया था बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब के मैं बोला था तो आपने इसके ऊपर सर्च करा इसके सामने आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे सही है यूट्यूब आर्टिकल्स भी हैं आई मीन हैंडियोज भी हैं एंड देन पॉडकास्ट एंड साइट्स सही है ओल्ड टाइम्स म्यूजिक माइक रिव्यूज ठीक okay. है रोड हो गई दिस इज ब्लूटी सही रोड इज वेरी वेल नोन ब्रांड अगेन तो आपको यहाँ पे आप लोग का अंदाजा हो गया इज हाई सपोज टू गो अबाउट डूइंग एट देख सकते दिस इज अ वेरी नीट वेबसाइट मतलब दीज काइंड ऑफ साइट ब्रिंग अ लॉट ऑफ कन्वर्जन यू कैन ओनली इमेजिन और देखो कितना सिंपल और स्लीक रखा हुआ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्डिंग दिस इज अस साइट इज अथोरिटी वेबसाइट तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसने फोकस करावा है रिकॉर्डिंग के ऊपर है मोर पे इसमेंटली स्पीकिंग ठीक है इसका टेम्पलेट भी बहुत सिंपल है समझने वाला है समझ आ रहा है सब कुछ कोई मसला नहीं है ठीक है लेट्स गो हेड विदउट ठीक है नाउ दिस इन माई ओपिनियन ज नॉट सो गुड वेबसाइट ठीक है मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों इस साइट ने एक तो एक टेबल नहीं दिया हुआ जैसे प्रो एंड कॉन ऐसे देना चाहिए इससे काफी फायदा होता है इन्होंने नहीं दिया हुआ ठीक है कॉल टू एक्शन कहा मुझे मतलब क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है अब इसने यह दिया हुआ चेक प्राइजिंग रिव्यूज ऑफ ये टी यूएस वेरी गुड कॉल टू एक्शन नॉट अ वेरी गुड कॉल टू एक्शन ठीक है तो ये एक अच्छे काम नहीं करा हुआ इसने तो इसको क्लियर कॉल टू एक्शन देना चाहिए तो आई वुड से इसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर रूम काफी है इसमें दिस इज दिस वॉज दर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर दैट आई प्रोवाइडेड मैं अब कॉन्टेंट एड कर रहा हूं आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन एस सी कॉन्टेंट सही है बिकॉज आई हैव कॉन्टेंट कमिंग अप फंडल फॉर शॉपाइट ड्रॉप शिपिंग फॉर एस तो वो मैं अकेला ही बनता हूँ फिलहाल जो काम कर रहे हैं सारे एरियाज़ में तो आई जस्ट कैंट गो अबाउट डूइंग इट रियली फास्ट सो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा बट एस सी ओ कॉन्टेंट विल भी अपमिंग रियली सोन ठीक है सो लेट्स एंड दिस की वर्ड सेलेक्शन टॉपिक हेयर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ यहाँ पे आप लोग डाल दो ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि um, monetary वाइज Are there any other beneficial option monetary wise other than Amazon? Affiliate? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन मतलब Amazon affiliate program में और कोई monetary options हैं आपके पास क्या आप ये पूछना चाह रहे हो If so आप थोड़ा सा rename कर दो या आगे yes लिख दो ताकि मैं समझ जाऊँ Sir BBC affiliate program is complete yes no it's not complete and yeah the new sessions will be uploaded the new sessions will be uploaded inshallah very very soon ठीक है अच्छा सो so, मुबीन ने अच्छा सवाल करा है मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में जो है ना कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखा दूंगा उससे पहले इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि एसईओ का सेशन आ जाए हमारा ठीक है जो कंटेंट कैलेंडर है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बनाना सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं स्लाइड्स का लिंक

Shopify team as an EC की Shopify team, um, okay तो हमने वैसे बंदे shortlist कर लिए हैं लेकिन अगर we want more I will let you know uh, लेकिन हमने वैसे shortlist कर लिए हैं ठीक है uh, okay guys then I'm off um, questions on goes

बेनिफिशियल होगा लेकिन दो लोगों का ग्रुप बना सकते हैं और पार्टनरशिप उन लोग आप लोग आपस में कर सकते हो सेवेंटी थर्टी की ताकि यू गैस कैन स्टार्ट फ्रॉम देर ऑनवर्ड्स जी प्लीज फिर से टैग कर दीजिएगा बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही हैं कभी कभी मिस आउट हो जाती है कोई नोटिफिकेशन ठीक है ओके दन आई एम ऑफ टेक केयर गाइस Okay, okay guys um, so you have few sites as in are you earning from those sites okay did you when did you join BC uh, ecBC तो डिजू मेक दो साइड्स बिफोर ई सी बी सी मतलब बी से देख के करी या खुद से करी या क्या हुआ मतलब थोड़ा सा आई वॉन्ट एन ओवर व्यू ओके, तो अच्छा चलो ओके एंड फायदा वोट अबाउट यू हैव यू स्टार्टेड समथिंग लाइक हैव यू स्टार्टेड अर्निंग समथिंग चलो ग्रेट सुबर आई गेट द आइडिया बट एमेजोन एसोसिएट्स का यू हर्ट फ्रॉम वी बी सी या पैलेस ही काम कर रहे थे इसके ऊपर और मे बी कुछ ऐसा हुआ कि समोल अबाउट इट इन द न्यूज स्टार्टेड ऑफ ऑन एट ओके okay. ठीक um, है चलो ठीक है इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी जस्ट लेट मी नो आई सी इफ आई कैन हेल्प यू स्केल ऑन योर प्रोजेक्ट ठीक है चलो सही है एंड फाइज यू टू ओके गाइज आई एम ऑफ देन Uh, नहीं सॉरी uh, यार आई डोंट टेक वॉइस क्वेश्चन आंसर बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम हर बंदा चार चार क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उनको एक रूल बता दूं कि नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन करना है लेकिन हर कोई फिर भी तीन तीन चार चार क्वेश्चन कर रहा होता है विच टेक्स अलौट अलौट दो घंटे सिर्फ क्वेश्चन आंसर वॉइस के ऊपर निकल जाते हैं तो विच इज वाई अरेंज दिस शीट कि भाई जो भी क्वेश्चन करने हैं आप जो है ना इसके ऊपर डाल दो मैं उसको आंसर कर दूंगा और इस वक्त इसके थ्रू मैं जो ना ये क्वेश्चन की शीट जब आप लोग ऐसे डालते हो ना तो मेरे लिए आसानी होता है कि मैं अपने पूरे प्रोग्राम को उस तरह फिर और मजीद कॉन्टेंट बेहतर ला पाता हूं ठीक है चलेगा ओके अल्लाह हाफिज आई एम ऑफ। मेरे खास से आई एम सॉरी। चले बाय बाय।